नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीत कौर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। अरेबिक मेहंदी डिजाइनिंग की हमारी फर्स्ट क्लास है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की ये क्लास। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारी अरेबिक मेहंदी डिजाइनिंग की फर्स्ट क्लास है और इस क्लास के अंदर हम बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। हम वो सभी एलिमेंट्स जो है सीखने वाले हैं जो हमारे अरेबिक के अंदर हम यूज करते हैं और वो सभी एलिमेंट्स जो है बहुत ही ईजी एंड बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। आई होप कि आप सब लोगों को हमारी ये क्लास भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और आप सब लोग इन सभी डिजाइन्स की प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छे से करेंगे। आई होप दोस्तों कि आप सब लोगों ने हमारी पहले किसी भी क्लासेस की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से की है और आप सब लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आप सब लोगों ने अपनी भी बहुत सारी क्रिएटिविटी भी क्रिएट की होगी। दोस्तों ये देखिए, हमारे फर्स्ट एलिमेंट के अंदर हमने यहाँ पे एक छोटी सी अम्बी जो है बनाई है और फिर हमने उसके चारों तरफ पत्तियां बनाई है, उनकी हमने अच्छे से फिलिंग भी की है। एंड सेकंड डिजाइन के अंदर हमने यहाँ पे एक बड़ी सी पत्ती बनाई और उसके अंदर हमने इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स बनाए हैं, उनकी हम इस तरह से फीलिंग दे रहे हैं। दोस्तों अरेबिक के जितने भी डिजाइन्स हैं वो बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल होते हैं क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं इन सभी एलिमेंट्स को हम यूज करेंगे हमारे अरेबिक डिजाइन के अंदर। हम चाहे तो इनके अंदर शेडिंग भी दे सकते हैं या चाहे तो हम अलग अलग तरीके की इसके अंदर फीलिंग भी यूज कर सकते हैं क्योंकि अरेबिक के अंदर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम उनके अंदर सिर्फ शेडिंग दे सकते हैं या सिर्फ हम फीलिंग कर सकते हैं। हम जो मर्जी चाहे उनके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम हमारी मेहंदी को क्या लुक देना चाहते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस डिजाइन के अंदर हमने यहाँ पे एक अम्बी बनाई और यहाँ पे हमने इस तरह से छोटे छोटे राउंड सर्कल करके इनके अच्छे से फीलिंग कर दी है। अरेबिक के अंदर हम ज्यादातर अम्बे ही यूज करते हैं, अम्बे डिजाइन से ही हमारे अरेबिक के जितने भी डिजाइन है उन सभी डिजाइन को हम कम्प्लीट करते हैं। एंड दोस्तों आज की क्लास में आप सब लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि हमारी जो ये क्लास है वो छोटे छोटे एलिमेंट्स के ऊपर है एंड छोटे छोटे एलिमेंट्स दोस्तों जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उनके अंदर हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमने उनकी इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली और कब हमें वो सारी चीजें जो है वो आ गई है। हमारी आगे जितनी भी क्लासेस आने वाली हैं वो सभी क्लासेस भी जो है वो बहुत ही अच्छी होगी और उन सभी क्लासेस के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन जो है वो सीखने वाले हैं। बहुत ही जल्द मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी और एक बेहतरीन क्लास जो है वो लेके आने वाली हूँ क्योंकि हमने आज तक जो कुछ भी सीखा है उन सभी डिजाइन को हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। इस डिजाइन में भी देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जो है इस तरह से अम्बे बनाई और इस तरह से हम उसके अंदर फीलिंग कर रहे हैं और हमारा ये डिजाइन भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आई होप कि आप सब लोगों को हमारी आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आप सब लोगों ने इन छोटे छोटे एलिमेंट्स की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। दोस्तों सिर्फ साथ साथ में प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता है, अगर आप बाद में भी अगर इन सबकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि हमें सिर्फ इन सभी डिजाइन की एक बार ही प्रैक्टिस करके नहीं छोड़ देना है बल्कि हम इन सभी डिजाइन की अगर कम से कम 10-10 बार प्रैक्टिस करेंगे तब जा करके हमारे हाथों के अंदर क्लियरिटी आएगी और बगैर क्लियरिटी के मेहंदी डिजाइन कभी भी अच्छा नहीं लगता है। एंड ये देखिए, हमारा ये डिजाइन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है और हमारे सभी एलिमेंट्स बहुत ही अट्रैक्टिव भी हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमारी आज की जो क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होती है और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, हमारे सेकंड अरेबिक मेहंदी डिजाइन की क्लास में, जिसके अंदर हम कुछ अलग डिजाइन जो है वो सीखने वाले हैं। एंड तब तक आप सब लोग जो है बहुत ही अच्छे से इन सभी डिजाइन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।